हेलो एंड वेलकम टू टारगेट नेट, दिस इज रिचा और आज की हमारी 2 मिनट सीरीज का टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो ये दोनों टर्म्स आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है। सो ये दोनों टर्म्स पहली बार यूज़ की गई थी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट J.P. गलिफोर्ड, जो आपने जनरली भी साइकोलॉजी में सुना होगा 1950s में। और आइडिया क्या था, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कैसे हम सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक ही सॉल्यूशन पे आने के लिए सोचते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जनरली बिल्कुल बेसिक लेवल की डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, यानी कि सारे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जब एक ही सॉल्यूशन को इंडिकेट करें उसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और इसके लिए बहुत ही लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स या नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे आपके जितने भी क्विज होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है। वहीं पे डाइवर्ज होना, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू दे स्टार्ट विथ वन प्रॉम्प्ट, एक छोटे से आइडिया या कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं एंड दे थिंक क्रिटिकली अबाउट इट एंड डाइवर्ज टूवर्ड्स दी डिस्टिंक्ट आंसर्स। जैसे कि आपके एसे राइटिंग या आप बोलें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस या क्रिएटिव एनालिसिस जब आप करते हो, तो इसे आप बोलते हो हाइएस्ट लेवल ऑफ DOK लेवल। DOK क्या होता है, रिमेंबरिंग से लेकर ऑगमेंटेशन, यानी डेप्थ ऑफ नॉलेज का क्या लेवल है, क्या बिल्कुल बेसिक रोट लर्निंग और रिमेंबरिंग से जैसे जैसे हम चीज़ों को एनालिसिस और सिंथेसिस करके ऑगमेंट करने लगते हैं। सो याद रखिएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग जब हम एक कॉन्सेप्ट से क्रिटिकली अलग अलग डायरेक्शंस में सोचते हैं, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज। एंड कन्वर्जेंट इज व्हाट, जब बहुत सारी चीजों को हम एक ही सॉल्यूशन के लिए कन्वर्ज करते हैं। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार टीचर्स इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो अपनी क्लासेस में इन्हें बहुत आसानी से और अच्छे तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टर्म्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। हर सुबह मैं 3 क्लासेस पेपर 1 और 2 की अनअकैडमी पर लेती हूँ। थैंक यू सो मच।